सुखदेव परिचंद को समझा रहे हैं। चार वेद, छह सात, अठारह पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो जितनी भी संगीत कलाएं हैं वो सामवेद से हैं। जो बाबा रामदेव दवाई बना रहे हैं वो अर्थवेद अथर्वेद से है। केवल थोड़ी सी ही कुंडली चल रही है अथर्वेद की, और जब दुनिया में ऐसी कोई चीज ना है कि वेदों से अलहदा हो। मैं इस समय जो बोल रहा हूं साम वेद का पांचवा यंत्र बोल रहा हूं। सुखदेव कह रहे हैं दुनिया में पानी पानी था, कुछ भी नहीं था, न चंद्रमा न सूरज न तारे न बादल न पृथ्वी। पानी के अंदर एक कछुआ था, वो कछुआ कितना बड़ा था, कितना गांव में तने याद नहीं था। रजी जी आज तो समय का बात है, तो वहां ब्याह क्या हो। खैर कोई तो ना है, कह रहे होंगे वो तो देवता ने गलावत और का सो देंगे, भूतर ने गलावत। लेकिन बाबा मैं का सुर की कृपा से आज महाभारत में कथा चली है रावण लाल, कल कथा आधार लाइन में चलेगी, परसों ब्रजेश लाइन में, उसके बाद वृंदावन लाइन में। चिंता मत करना, प्रभु की कृपा से परचुनी की दुकान में सौदा सब मिलेगा। सुखदेव सुखदेव कह रहे हैं परिचय से कि कछुआ इतना बड़ा था कि एक लाख योजन में तो उसकी गर्दन थी, तीन लाख योजन में उसके नेत्र थे, सात लाख योजन में उसका पेट था,
एक योजन कितने से कहते हैं? हैं? कितने का होता है योजन? एक योजन चार कोस का, एक कोस में तीन किलोमीटर। अब एक लाख योजन में उस कछवा की गर्दन थी पानी में, तो बताओ किलोमीटर तो कितने है गए? अरे सात लाख शरीर कितना था कछुआ का? एक अरब 70 करोड़ योजन उसका शरीर कछुआ का। अब बताओ लेकिन उस कछुआ से उस पानी के अंदर एक अंडा पैदा होगा। कछु प्रश्न कर देते हैं शास्त्री जी, बताओ मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आओ? लेकिन उस जल के अंदर उस कछुआ से एक अंडा पैदा हुआ, और जब अंडा पैदा हुआ परीक्षक, तो वो अंडा जब फूटा तो कर्म कौन सा हुआ? जब अंडा पक करके फूटा तो उस अंडा से भगवान विष्णु पैदा हुए, और उसी के साथ शेष का अवतार हुआ। तो परीक्षित ने कहा महाराज कोई उजी तो ना हो, अंधेरो ही हो। सुखदेव कह रहे कुछ नहीं था, पूरी दुनिया में अंधकार था, प्रकाश नहीं था। तो महाराज बस अंधकार में फिर प्रकाश, तो सुनो के जो पनते 1000 और 1000 पनते, तो एक एक पन पे लाखों मड़ी धरी थी। तो वे मड़ी कोई श्वेत कोई पीली कोई लाल चमक रही थी, तो उससे प्रकाश हुआ। अरे नीली पीली श्वेत
जब प्रकाश हुआ तो भगवान विष्णु का जन्म हुआ, तो कछु दिन बाद में पाशेष की सैया बना के पूछ को मरोरे और सो गए। कई कल्प कई मन मंदिर बीत गए, लेकिन ऐसी नींद में सोए बहुत दिन बाद जगे तो भगवान विष्णु की नाभि से भगवान विष्णु की नाभि से कमल पैदा हुआ। तो बात कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जनरेटर चालू करो जी, आवाज और जब वह कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं। तब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था कमल में। अब ब्रह्मा ने विचार करो कि कमल टिको तो या जल में डूब के न मर जाए। अब हम बाप की भावना मेहता की भावना कंते आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने जो कमल था बस कमल पकड़ के बस जल की अजमाश करी कि गहरों के अरे कमल जल में